दोस्तों, अगर आप Redmi Y2 के यूजर्स हैं तो यहाँ पर सभी का एक ही क्वेश्चन है कि एंड्रॉइड पाई का न्यू अपडेट Redmi Y2 के सभी यूजर्स के लिए कब तक रोल आउट किया जाएगा। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है एंड यहाँ पर एंड्रॉइड पाई का न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है Redmi Y2 के यूजर्स के लिए MIUI 10.3.2.0 के स्टेबल अपडेट के साथ। एंड फिलहाल के लिए इस अपडेट को अभी चाइना में यहाँ पर रोल आउट किया गया है, यानी चाइनीज स्टेबल रोम में ये अपडेट आपको देखने को मिलता है। तो इंडिया में भी ये अपडेट आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस अपडेट के टॉप फीचर्स के बारे में। यहाँ पर आपके कुछ डाउट्स है, क्या एंड्रॉइड पाई के अगले अपडेट के साथ आपको ड्यूल 4G का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं, डार्क मोड, चार्जिंग एनिमेशन, पबजी HD ग्राफिक्स एंड इसके अलावा कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो गाइज, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को एंड तक आप पूरा जरूर से देखते रहिए। सो हाय गाइज, मेरा नाम है अमनजीत, स्वागत आप सभी का आज के इस लेटेस्ट न्यू वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि Redmi Y2 में जो भी न्यू अपडेट रोल आउट होंगे उसकी वीडियो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर गाइस, अगर बात करूँ Redmi Y2 के करंट MIUI वर्जन के बारे में, तो 10.3.1.0 Redmi Y2 का फिलहाल के लिए करंट MIUI वर्जन है, जो कि ओरियो के ऊपर बेस है। यहाँ पर आपको 10.3 सीरीज के काफ़ी सारे न्यू फीचर मिल जाते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एंड दोस्तों, अभी यहाँ पर Redmi Y2 के सभी यूजर्स के लिए आने वाले कुछ दिनों के अंदर Android Pie का अपडेट भी रोल आउट होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो Redmi Y2 का चाइनीज वेरिएंट है, यानी Redmi H2, तो चाइना में सेम फोन आपका Redmi H2 है एंड इंडिया में सेम फोन आपका Redmi Y2 है। तो चाइना में Redmi H2 के लिए Android Pie का न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI 10.3.2.0 के स्टेबल अपडेट के साथ इस अपडेट को रोल आउट किया गया है एंड यहाँ पर आपको पहला चेंज देखने को मिलता है, एंड्रॉइड पाई का अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। दोस्तों, दूसरा चेंज आपको मिलता है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मई 2019 का आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेगा, जब इस अपडेट को इंडिया में रोल आउट किया जाएगा। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप इस अपडेट के कोड को, वर्जन को यहाँ पर देख सकते हैं, PEFCNXM। PEF का मतलब है यहाँ पर एंड्रॉइड पाई, CN का मतलब है चाइना। अगर दोस्तों ये अपडेट इंडिया में जब रोल आउट होगा तो CN की जगह आपको MI यहाँ पर मेंशन किया जाएगा एंड XM रिप्रेजेंट करता है इस अपडेट के वर्जन को। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि इंडिया में ये अपडेट कब तक रोल आउट किया जाएगा। तो गाइस, जून की एंड से पहले पहले ये अपडेट सभी Redmi Y2 के यूजर्स को मिल जाएगा। तो आने वाले कुछ दिनों में कभी भी आपको ये अपडेट यहाँ पर मिल सकता है। तो पहले कुछ सिलेक्टेड रैंडम यूजर्स के लिए इस अपडेट को रोल आउट किया जाएगा। मान लो ये अपडेट रोल आउट हो जाता है मिड जून के आसपास, तो यहाँ पर कुछ यूजर्स को पहले अपडेट मिलेगा, उसके 1 वीक के बाद ये अपडेट सभी यूजर्स को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट कर लीजिए। एंड दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी कि भाई Redmi Y2 के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाओ, कौन से फीचर मिलेंगे एंड एंड्रॉइड पाई का अपडेट कब तक मिलेगा। तो गाइस, फाइनली वीडियो आ गई है, तो इसी बात पे यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। गाइस, अभी आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या इस अपडेट में ड्यूल 4G का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि आपको इस अपडेट में ड्यूल 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ यहाँ पर मैंने इमेजेस भी देखे हैं जिसमें कि Redmi Y2 में Android Pie का अपडेट इंस्टॉल है एंड ड्यूल 4G वहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों, ड्यूल 4G का सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे Xiaomi ने लास्ट ईयर बताया था कि Snapdragon 625 ड्यूल 4G का सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन गाइस MI A1 में भी सेम चिपसेट आपको मिलता है एंड वहाँ पर भी Android Pie का अपडेट रोल आउट किया गया है एंड उसके साथ ड्यूल 4G का सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो Y2 में भी Android Pie के साथ आपको ड्यूल 4G का सपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इसके आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर डार्क मोड का फीचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, डार्क मोड का फीचर आपको जरूर से देखने को मिलने वाला है। सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, Redmi Note 5 Pro में भी मिल चुका है, तो डार्क मोड का फीचर भी आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर पूरी सेटिंग्स आपके डार्क मोड में आप यूज़ कर पाओगे, नोटिफिकेशन बार, स्टेटस बार, वॉल्यूम स्लाइडर, कंट्रोलर, ऐप होल्ड, सभी को आप डार्क मोड में यूज़ कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पूरा फोन आपका डार्क मोड में नहीं चलेगा। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट फीचर लॉक स्क्रीन पर चार्जिंग एनिमेशन का भी देखने को मिलेगा। तो यार, जैसे ही आपका डिवाइस यहाँ पर लॉक होगा, लाइट ऑफ होगी एंड आप चार्ज लगाओगे, तो तुरंत आपको लॉक स्क्रीन पर कुछ ऐसी एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि यार देखने में काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लगती है। एंड गाइस, डिस्प्ले में नीचे आपको रेज टू वेक का ऑप्शन मिलता है, शायद ये पहले से ही आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड गाइस, मैंने 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी इस अपडेट के यहाँ पर 15-20 फीचर के बारे में बताया, तो बार बार फीचर्स के बारे में बताकर वीडियो को लंबा हम नहीं करना चाहते हैं। तो गाइस, अगर आपको फीचर्स के बारे में डिटेल में जाना है, तो Note 5 Pro में भी यही अपडेट रोल आउट हुआ है एंड्रॉइड पाई के साथ एंड सेम अपडेट आपका अलग वर्जन से यहाँ पर
रोल आउट होने वाला है एंड्रॉयड पाई का रेडमी वाई टू के यूजर्स के लिए भी सेम फीचर आपको वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो एक बार जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से फीचर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड दोस्तों एक और डाउट है, क्या रेडमी वाई टू एंड्रॉइड पाई के साथ पबजी एच डी ग्राफिक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा? तो भाई पबजी एच डी ग्राफिक्स का ऑप्शन भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला, आप यहाँ पर बैलेंस्ड ग्राफिक्स में ही यहाँ पर मीडियम फ्रेम रेट पर ही पबजी को प्ले कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।